बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ एन अदर लेक्चर ऑन अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज इज़ द बुक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फोर्थ ईयर क्लास। बिफोर दिस आई हैव डिलीवर्ड 3 लेक्चर्स ऑन द रैशनल ऑफ पाकिस्तान। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अनदर लेक्चर ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। This is Qaid Azam's address to the Constituent Assembly that you can see this heading as well. So this is another lesson from Qaid's speech. So मैंने आपको पहले भी बताया था कि Qaid Azam और अल्लामा इकबाल के जो लेसन आपके टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किए गए होते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो जैसे कि इसका टाइटल है कायदे आज़म का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ख़िताब। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उर्दू में कहते हैं कानून साज असेंबली, कानून बनाने वाली जमात। कानून वो जब पाकिस्तान बन गया तो अब ये नई जमात है, असेंबली है, जिसने पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल का कानून इन्होंने बनाना है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को डील करूंगी। तो यहाँ पर ये बुक के एंड की तरफ आप देखें, बुक के एंड की तरफ ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये देखें, दिस इज़ पेज नंबर 124। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनके बारे में लिखा हुआ है और क्वेश्चंस हैं। और फिर उसके बाद 125 पर जो क्वेश्चन है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिया था कि वो चैप्टर नंबर 1 से डील करते हैं और आज हम सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को फोकस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट वर द मेजर टास्क बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने मेजर टास्क क्या थे, यानी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बड़ा काम, मेन काम क्या करना था। तो यह कायदे आज़म ने उनको बताया था। और सेकंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पहली और फॉरमोस्ट इब्तदाई ड्यूटी क्या होती है। ये 2 क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट पैराग्राफ से, और फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमें इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ गॉट 2 मेन फंक्शंस टू परफॉर्म। अब देखिए यही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या फंक्शंस हैं। तो कायदे आज़म कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 मेन फंक्शंस हैं। अच्छा, ये कायदे आज़म का एड्रेस है, ख़िताब है पाकिस्तान बनने के फौरन बाद, जो उन्होंने पहला एड्रेस किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो मेमोरेबल है और वो आपके बुक्स में, आपके सिलेबस में सेट किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप देखेंगे वो किस तरह से बात करते हैं, कायदे आज़म के बात करने का अंदाज़, उनके अल्फाज का चुनाव, और फिर पाकिस्तान के बारे में वो डिवोटेड पर्सन जिसने अपने सारी ज़िंदगी की मेहनत के बाद ये मुल्क हासिल किया, एक बहुत अच्छा डिवोटेड लीडर। और आप देखें कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो ख़त्म हो जानी चाहिए थी मुल्क में लेकिन आज तक ख़त्म ना हो सकी, तो कौन सी बुराइयां हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रोल को फोकस करेंगे, और उसके अलावा हम फोकस करेंगे गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 किरदार हैं, 2 काम हैं। द फर्स्ट इज़ द वनरस, वनरस मतलब इम्पॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क ऑफ फ्रेमिंग आर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये इसको अंडरलाइन किए हुए, आप भी इसको अंडरलाइन कर लें। पहला काम जो बड़ा भारी इम्पॉर्टेंट है और ज़िम्मेदारी वाला है, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल का कानून बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कानून, लॉ। एंड द सेकेंड ऑफ फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कम्प्लीट सॉवरन बॉडी। और दूसरा काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है फुल और कम्प्लीट सॉवरन बॉडी के तौर पर काम करना। सॉवरन का मतलब होता है ख़ुद मुख्तार, यानी ख़ुद मुख्तार होकर काम करना। इससे पहले जो 150 साल गुजरे हैं
उसमें पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वो उसके ऑर्डर्स आ रहे थे बरतानिया से, लेकिन अब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंप्लीट एंड फुल सॉवरन बॉडी के तौर पर काम करना है, खुद मुख्तार होकर काम करना एज अ फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। लेजिस्लेचर का मतलब ही कानून होते हैं, तो फेडरल होते हैं मरकज़ी, मरकज़ी कानून साज पाकिस्तान की असेंबली के तौर पर काम करने। वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन इन अडॉप्टिंग ए प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। तो हम अपना बेस्ट करेंगे ताकि हम पाकिस्तान का फेडरल लेजिस्लेचर हासिल कर सकें, मरकज़ी कानून। यू नो रियली दैट नॉट ओनली वी आरसेल्व्स आर वंडरिंग बट आई थिंक द होल वर्ल्ड इज़ वंडरिंग एट दिस अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रेवोल्यूशन। तो कायदे आज़म कहते हैं कि ना सिर्फ हम खुद हैरान हैं बल्कि पूरी दुनिया सरप्राइज है इस हैरान कुन अनप्रेसिडेंटेड मतलब बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो साइक्लोनिक रेवोल्यूशन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक इनकलाब है। रेवोल्यूशन मीन्स चेंज, चेंज ऑन अ ग्रेट लेवल, जो बड़े पैमाने पर चेंज होता है, जैसे किसी कौम का नसीब बदल दे, किसी कौम के हवाले से ज़्यादा लोगों के हवाले से कोई चेंज हो, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये एक बेमिसाल किस्म की इनकलाब है विच हैज़ ब्रॉट अबाउट द प्लान ऑफ क्रिएटिंग एंड इस्टेब्लिशिंग टू इंडिपेंडेंट सॉवरन ओपिनियंस इन दिस सब कॉन्टीनेंट, जिसके नतीजे में इस बड़े सगीर सब कॉन्टीनेंट में दो इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार सॉवरन भी खुद मुख्तार होते हैं। डोमिनियन का मतलब होता है स्टेट्स, दो खुद मुख्तार रियासतें बनी हैं। एज इट इज़ इट हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड, देयर इज़ नो पैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये बेमिसाल बात है। तो पूरी दुनिया की तारीख में इसका कोई पैरेलल नहीं है, पैरेलल मीन्स इक्वल, इसके बराबर कोई मिसाल नहीं मिलती। दिस माइटी सब कॉन्टीनेंट विद ऑल काइंड ऑफ इनहेबिटेंट्स हैज़ बीन ब्रॉट अंडर अ प्लान विच इज़ टाइटैनिक। तो इस माइटी मतलब बड़े सब कॉन्टीनेंट को एक प्लान के तहत जिसमें हर तरह के इनहेबिटेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, तो उसको एक ऐसा प्लान के तहत तकसीम किया गया विच इज़ टाइटैनिक। टाइटैनिक का मतलब होता है बिग, अननोन, जिसकी पहले कोई मिसाल हमें पता नहीं, अनपैरेलल, जिसके बराबर और कोई तारीख की मिसाल नहीं है। एंड व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू इट इज़ दैट वी हैव अचीव्ड इट पीसफुली, और सबसे बड़ी बात जो इस हवाले से है वो ये है कि हमने इसे पुरसकून तरीके से हासिल किया एंड बाई मीन्स ऑफ एन एवोल्यूशन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल करेक्टर, और हमने इसे बहुत बड़े किरदार के तौर पर इसको हासिल किया है। चलिए ये हमारे पहले सवाल का जवाब इसमें आ जाएगा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम होता है। तो दो बातें कायदे आज़म ने इस हवाले से की हैं, एक तो पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने, सेकेंड कम्प्लीट एंड फुल सॉवरन बॉडी के तौर पर काम करते हुए फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान का किरदार अदा करना है। ये दो बातें हो गई, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें बहुत क्लियरली इसमें मिल रहा है। तो आप यहाँ से जो अंडरलाइन किए हुए ये कोट भी लिख सकते हैं। और इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है, थर्ड क्वेश्चन है और इस चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर इस सेकेंड पैराग्राफ में है। डीलिंग विद आर फर्स्ट फंक्शन इन दिस असेंबली आई कैन नॉट मेक एज एनी वेल कंसिडर्ड प्रोनाउंसमेंट एट दिस मोमेंट बट आई शेल से अ फ्यू थिंग्स एज दे अकर टू मी। तो कायदे आज़म कहते हैं कि इस असेंबली में काम करते हुए मैं कोई वेल कंसिडर्ड प्रोनाउंसमेंट तो नहीं दूंगा, कोई बहुत बड़ी अल्फाज तो नहीं बोलूँगा, स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन बहरहाल कोई बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। द फर्स्ट एंड द foremost thing that I would like to emphasize is this, remember that you are now a sovereign legislative body. पहली बात यह है कि याद रखो आप एक खुद मुख्तार कानून साज जमात हो and you have got all the powers, और सारी powers आपको मिली हुई हैं। It therefore places on you the gravest responsibility
as to how you should take your decisions. और इस वजह से क्योंकि आप sovereign legislative body के तौर पर काम कर रहे हो, कानून साज legislative कानून साज बॉडी के तौर पर काम करें, तो आपके ऊपर ग्रेवेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये देखें, ग्रेव की सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे भारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है जो आप अपने फैसले करेंगे। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट आई वुड लाइक टू मेक इज दिस, पहली बात जो हुकूमत की जिम्मेदारी का एजाज़ बता रहे हो, या यू विल नो डाउट अग्री विद मी दैट द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसको अंडरलाइन कर लें, या आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं, या आप समरी में भी इस तरह की छोटी छोटी कोट्स लिख सकती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कि मुल्क के अंदर अमन की सूरत हाल को बरकरार रखना, सो दैट द लाइफ प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, ताकि लोगों की जिंदगी, जायदाद और मजहबी अकायद मुकम्मल तौर पर रियासत के तहफ़ में आ जाएँ। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ तक मिल जाता है। इसके साथ ही ये आज का मेरा लेक्चर ख़त्म हो गया। इसके समरी याद कर लें, सवालों के जवाब याद कर लें, कोई चीज़ जो क्लियर ना हुई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और टेक्स्ट बुक सामने रख के और फिर ये आप मेरा लेक्चर अटेंड किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।